तो आ गया, बहुत बढ़िया आनंद। और आप, आपका क्या शुभ नाम बताया आपने? सुनील तिवारी। सुनील तिवारी जी और आप पंडित जी महाराज? गोस्वामी। गोस्वामी साहब जी। और मतलब खाना आप देखिए, प्रसाद होता है वो, पर भोग लगता है इसमें, तो कितना पवित्र होगा। तो जो खाने का ये है टीम, देखिए बहुत ही शानदार खाना हमने खाया, और आप यहाँ आओगे तो आनंद हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। कई बार घर में भी इतना अच्छा खाना नहीं बनता जितना यहाँ पे खाना मिला, और सबसे अच्छी बात है इतने प्रेम से परोसा गया है कि बस पूछो मत। फुलके तो क्या गजब थे। तो हम जिनसे सबसे पहले हम लोग जो है सोशल मीडिया पे के थ्रू हमें पता चला था, और ये हैं हमारे अजय शर्मा जी। इतने मतलब मृदुभाषी हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं, जैसे हमने वीडियो वगैरह में देखा था उससे भी बेहतर ये जो है हमें यहाँ पे मिले हैं। आप आते हैं यहाँ पे, ठहरते हैं, तो यहाँ का बहुत ही, मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। बाकी जो है थोड़ा सी मैं शर्मा जी से भी बात करता हूँ अभी। शर्मा जी कितने दिन हो गए अपने इसको बने हुए? आश्रम 2016 में बना। 2016 में बना जी। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे हमारे ये रूम में हम ठहरे हैं उसका मतलब कितना टायरफ है? 1000 रुपये। और 4 बेड वाले का? 1600 रुपये का। ट्रिपल बेड 1000 का रहता है। हाँ जी। 4 बेड 1600 का। और फ़ोन पे भी जो है बुकिंग हो जाती है? जी सर। और इतने ईमानदार और इतने मतलब, मैं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के स्टेटों में घूमता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि पैसे का लालच होता है, कहते हैं जी पहले पैसे भेज दो। तो आप लोगों का देखा कि नहीं, कोई बात नहीं, बुक हो गया और फ़ोन पे कंफर्मेशन मिली, और आके भी कहा कि आप पैसे दे देना, क्या दिक्कत है। तो भाई मैं तो मतलब इनकी जितनी जो है तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये लोग हैं भी काबिल तारीफ। और आप आइए वृंदावन में, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर रुकिए, श्री श्री राध्यम वृंदावन धाम, एसी रूम, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, और ये सब फ़ोन नंबर हैं, और ये एड्रेस है। और एड्रेस में मतलब ये तो जगह भी ऐसी है कि बहुत ही मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे, एकदम जो है शांति वाली जगह है। और संस्कार सिटी है, बहुत पॉपुलर सिटी यहाँ पे बनी हुई है, उसके सामने ये है। और आगे का कोई भी आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो फ़ोन नंबर दिए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं भी अपना नंबर दे दूँगा तो आप मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं इसका जो मेन जो एंट्रेंस जो है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई मैं अभी आपको यहाँ के रूम दिखाता हूँ, ये जैसे है रूम नंबर 203। देखिए रूम कितना साफ़ सुथरा है, और ये यहाँ पे अलमीरा है, मिरर लगा हुआ है इतना शानदार, और शानदार लाइटें हैं, फैन है। और सबसे अच्छी जो चीज़ मैं आपको, मैं बहुत जगह जाता हूँ, गद्दा है काफ़ी मतलब 4 इंच मोटा गद्दा होगा, साफ़ सुथरा। ये पिलो है, मैंने इतना बढ़िया रूम मतलब होटलों के भी नहीं देखे। और ये सारा छटीकरा रोड का यहाँ से व्यू दिखता है। ये सारा दिख रहा है यहाँ से बिल्डिंग है छटीकरा रोड की। दो चेयर हैं, कबर्ड है, और बहुत सुंदर सा यहाँ पे ब्लैंकेट है। ये डबल बेड है, और इसके साथ में बहुत ही सुंदर एक और बात है कि डबल के साथ में एक सिंगल बेड भी है। इसके जो चार्ज हैं वो मतलब डबल बेड के हिसाब से होते हैं। एक जो सिंगल बेड जो कर रखा है वो इस पर्पज़ से कर रखा है कि कई बार जो है कोई बच्चा भी साथ में है तो वो इस पे आराम से सो सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। वॉशरूम देखिए, गीजर लगा हुआ है, और वेस्टर्न पोर्ट है। ये अपना नहाने के लिए सभी एकदम से फाउंटेन लगा हुआ है।
मतलब इस धर्मशाला की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं काफ़ी स्टेटों में जो है टूरिंग करता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे होटलों में ठहरता हूँ, मीडियम में भी ठहरता हूँ। एक लो बजट में जो है ये इस तरह का जो कमरा जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो आप भी कभी वृंदावन आते हैं तो जो है श्री श्री राधे राधे हम धर्मशाला को प्रेफर कर सकते हैं। ये अभी जो है गैलरी की सफाई का कार्य चल रहा है। और यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो भी बहुत शानदार है। ये सामने जो है संसार सिटी है और ये मेन रोड। ये बालकोनी है और ये सामने संसार सिटी है। और इधर से जब हम जाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अपना यहाँ पे आ जाता है छठीकरा रोड। ये चारों तरफ यहाँ पे बिल्डिंग है दिखाई पड़ रही हैं, तो बहुत ही शानदार है ये। और ये व्यू है नीचे का। हम अभी सेकंड फ्लोर पे हैं। कितने सुंदर यहाँ पे जो है फ्लावर लगे हुए हैं। एसी लगा हुआ है यहाँ पे, शानदार पंखा है। जैसे कि अभी आज 18 फरवरी है, मौसम बहुत अभी सुहाना है, होली अभी आने वाली है, तो आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो इस धर्म जरूर स्टे करें। और आपको मेरी ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन बारे में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करें और इनका कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर एड्रेस दें कि जिससे भी और लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। तो भाई ये है अब दोपहर का भोज प्रसाद श्री राधे हम धाम का। रायता मिक्स वेज आलू की सब्जी और दाल। अब थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ। रायता बहुत बढ़िया और आलू शिमला वाई और मतलब एकदम सात्विक होता है, कोई इसमें तड़का ऐसा नहीं होता प्याज हो या कुछ हो, क्योंकि इससे जो है प्रभु का भोग लगता है, भोग होता है। फुलके इतने बढ़िया, तो खाना एकदम बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सर्राटेदार यहाँ पर आया तो भाई अब हम जो है बात करते हैं खाने की। यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया है और अभी यहाँ पर जो खाना है लंच भी मिलता है, डिनर भी मिलता है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है। और ये है ब्रेकफास्ट और अपना डिनर। ये देखिए बिल्कुल एकदम शुद्ध कढ़ी पकौड़ा है, दाल है और ये है मिक्स वेज। और कितना शानदार पापड़ है, सलाद है और रोटी क्या फुलके हैं। फुलके मतलब भूख मारे तोड़ जाएं। और इसका भी मैं ना खा के भी टेस्ट बताता हूँ किस तरह का भी है कढ़ी पकौड़ा जो है ये। वो कोई बहुत ही जो है शानदार खाना है, खाने को मैं मतलब 10 में से 10 नंबर देता हूँ। तो आप और खाने में क्या है कि जिस टाइम का भी भोजन करना है तो यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई जो है लंच या डिनर करेंगे, तो उस हिसाब से ना खाने का फिर इंतज़ाम रखते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा डाइनिंग एरिया है। और ये है अन्नपूर्णा प्रसादम।
और आप यहाँ पे एक बार खाना कभी। तो भाई हमने शाम को तो डिनर किया था श्री श्री राधे हम धाम का, और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अभी लगभग 9:30 बजे हैं, तो अभी हमारा चल रहा है, अभी ब्रेकफास्ट परोसा जा रहा है। अभी जलेबी पूड़ी और आलू की सब्जी आ चुकी है। और सबसे बड़ी सुंदर बात है, देखिए एक बार चार कितना फ्रेश देते हैं। एक्चुअली क्या कि यहाँ का जो खाना नहीं है वहाँ पे, ये तो प्रसाद है, भोग है प्रभु का, भगवान का, इसमें जो है भगवान का भोग लगाया जाता है। तो इतनी मतलब प्योरिटी, इतनी शुद्धता, इतना देसी घी से बनाते हैं, प्रिपरेशन जो भी है, मतलब आनंद का तो हम जो है ना शब्दों में बखान कर नहीं सकते, इतना यहाँ पे जो है आनंद आता है। और हमारे शर्मा जी तो मतलब ग्रेट हैं, इतनी सेवा करते हैं और इतना बहुत ही बढ़िया है। वृंदावन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ठहरिए, यहाँ पे खाइए, यहाँ का आनंद लीजिए। ये देखिए जलेबी है देसी घी की, पूड़ी है, पूड़ी भी क्या है, नॉर्मल नहीं है, पूड़ी भी मतलब बेड भी पूड़ी है। ये जो सामने ये जो रोड दिख रहा है, ये रोड है, यहाँ से छठी क्रॉस से जो वाला रोड है वो यहाँ से सिर्फ जो है 150-200 मीटर दूर है। और यहाँ पे जैसे ही हम एंट्री करेंगे उससे, तो यहाँ पे जो है अपना श्री श्री राधेयम धर्मशाला आ जाती है। और इसके सामने भी जो है काफ़ी धर्मशाला हैं, जैसे कि ये धर्मशाला है यादव भवन, और यादव भवन के बीच में ये है साइड में, ये है अपना संसार सिटी, ये जो है संसार सिटी है। ये इस संसार सिटी के जो है बिल्कुल ये संसार सिटी है, और ये साथ में जो है ये अपना श्री श्री राधेयम है। और ये रोड है जो आ रहा है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये रोड है। और ये सामने अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो गेट दिख रहा है, ये गेट जो है छटीकरा रोड है। यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट को मुड़ेंगे तो ये अपना ये धर्मशाला यहाँ पे आ जाती है। तो एक तो आप दिल्ली से या कहीं से या ट्रेन से या अपने व्हीकल से भी आप आ रहे हो तो इजी मतलब रीच है, यहाँ पे आसानी से यहाँ पे जो है पहुँचा जा सकता है। ये बोर्ड है, इसमें पूरा एड्रेस है, वैसे मैंने इसमें कार्ड का भी पूरा यहाँ पे डिटेल दे दिया है। पूरा एरिया ही बहुत शानदार लाजवाब है, और सुरक्षा की दृष्टि से यह है कि हमारे जो है प्रहरी हैं यहाँ पे। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी बबलू सिंह। ओहो चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब के साथ बंदूक है, और आप रात को यहाँ ठहरेंगे तो निश्चिंत आप बेचैन जो है मतलब बेफिक्र यहाँ पे सो सकते हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी यहाँ पे चौधरी साहब से। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे जो है एंट्रेंस है, और ये हमारे गार्ड साहब का रूम है यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे बहुत अच्छी पार्किंग है, बहुत अच्छा सुंदर यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, और श्री राधा यहाँ पे पेंटिंग हो रखी है। और यहाँ पे जो श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, अभी रात के लगभग टाइम हो गया काफ़ी, तो अभी मंदिर के पट बंद हैं। सामने बहुत शानदार ये पार्क है, और यहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। ये बहुत ही यहाँ पे जो है शानदार लुक है इसका। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपके कितने काम आया उसके बारे में आप मेरे को ज़रूर बताना, और इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आप मेरे कहने से आप मथुरा वृंदावन आ रहे हैं और आप यहाँ पे स्टे करना है तो आप एक बार यहाँ पे जरूर, आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा।
ये रिसेप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो अजय शर्मा जी हैं जिनसे अभी मैंने आपकी बात कराई थी, तो आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। और अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर वीडियो में मिलेंगे और एक और नई जानकारी के साथ। ओके, नमस्कार।